तो एक्स टू द पावर फोर कैन बी टेकन कॉमन इन दिस वे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर फोर होल टू द पावर 3/4 dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर होल टू द पावर 3/4 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर फोर होल टू द पावर 3/4। दिस सेकेंड ब्रैकेट कैन बी रिटन लाइक दिस, नाउ एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसेस 4 एंड दिस 4 कैन बी कैंसल्ड, सो वी हैव इन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब विच बिकम्स एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4 dx। नाउ यू कैन सी दैट डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, देयरफॉर वी शैल पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स टू द पावर -4। ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर -4 इज -4 एक्स टू द पावर -4 -1, विच वी कैन राइट एज डी टी अपॉन -4 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5। नाउ यू कैन एक्सपीरियंस दैट दिस डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5 एंड दिस डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5 कैन बी रिप्लेस बाय दिस डी टी अपॉन -4। सो वी शैल रिप्लेस dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 बाई डी टी बाय -4, देयरफॉर द इंटीग्रल बिकम्स आई इज इक्वल टू डी टी अपॉन -4 होल अपॉन टी टू द पावर 3/4, एज वी हैव सब्स्टिट्यूटेड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 एज टी। दिस वी कैन राइट -1/4 डी टी अपॉन टी टू द पावर 3/4 वी कैन राइट एज टी टू द पावर -3/4 डी टी। इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी -1/4 टी टू द पावर -3/4 +1 अपॉन -3/4 +1 प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। -1/4 टी टू द पावर -3/4 +1 इज टी टू द पावर 1/4, सेम इन डिनोमिनेटर -3/4 +1 विल बी 1/4 प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। 1/4 कैन बी कैंसल्ड, तो माइनस वैल्यू ऑफ टी इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 प्लस सी। तो फाइनली दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल।